बट ये जो हेलमेट का पार्ट है ना यही टूट गया यार भाई। इतनी फूटी किस्मत मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। रैप देखो मतलब इस पर कोई वैक्स कोई पॉलिश नहीं मारी बट स्टिल इतना बढ़िया शाइन मार रहा है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। नहा धो के आपका भाई फिर से रेडी हो चुका है एक नए व्लॉग की शुरुआत करने के लिए। कुंभलगढ़ से दिल्ली का जो सफ़र था उस सफ़र में ना दो चीज़ों की मेरे को सबसे ज़्यादा याद आ रही थी। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी जो थी अपनी बम्बल भी और दूसरी चीज़ थी ये खाली फिश टैंक। मतलब इतने दिल से मैं इस फिश टैंक को लेकर आया था, इतना सारा पैसा मैंने इसमें लगाया था कि भाई अच्छे अच्छे फिशेज़ रखूँगा, बट हुआ क्या ना यार टाइम ही नहीं मिल पाया फ़िश वगैरह रखने का। सो सबसे पहले अभी मैं उठा हूँ रेडी हुआ हूँ, टाइम हो रहा है अभी 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है। सबसे पहले मैं जाऊँगा फ़िश लेने, फ़िश लेकर आऊँगा जो मेरे को बहुत प्यारी है। सो वाली फ़िश मेरे घर के आसपास मिल जाएगी, मतलब आई थिंक 3-4 किलोमीटर में एक शॉप है वहाँ पे मेरे को मिल जाएगी वाली फ़िश। तो गाड़ी से जाऊँगा फटाफट फिश लेकर वापस आऊँगा, फ़िश इसमें डालनी है। उसके बाद आपको बम्बल भी दिखानी है एंड छोटा सा ना नुकसान हो गया गाइस, मतलब दिखा दूँ क्या। मैं ना पहले सोच रहा था कि मोटो ब्लॉग करूँगा बट ये देखो ये ना हेलमेट का ही है, ये तो अपना ये हो गया माउंट हो गया, बट ये जो हेलमेट का पार्ट है ना यही टूट गया यार पूरा इसका। मतलब यही मेरे पास जो मेन हेलमेट है यूज़ करने के लिए, ये हेलमेट एक बार गिर चुका है तो इसका शेल जो है ना मतलब इतना कैपेबल नहीं है। एंड ये तो बड़ा सस्ता हेलमेट है, Z900 के हिसाब से ये हेलमेट कंपेटेबल बिल्कुल भी नहीं है। सो यही हेलमेट मेरे को समझ आता है और ये हेलमेट के साथ भी ऐसा हो गया, मतलब ये ना पूरा का पूरा टूट गया, बहुत बुरा हाल हो गया है। तो अब इसको कुछ टाइम के लिए तो फिक्स करते हैं एंड कुछ टाइम रुक के, मतलब अभी नहीं कुछ टाइम रुक के थोड़ा बहुत सेविंग्स करके फिर लेंगे HJC। मतलब मेरा प्लान था बट अभी जो मैं नेक्स्ट ट्रिप पे जा रहा हूँ उसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला है। एंड जो उनसे मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ आप सबको पता ही है जिस ट्रिप के लिए हमने अपनी बम्बलबी को रैप करा है एंड बस। सो गाइस ये खड़ी अपनी प्यारी सेक्सी, मतलब इंडिया की सबसे सेक्सीएस्ट बाइक जो कि है कावासाकी Z900 बोले तो अपनी बम्बलबी। बट इसकी हालत देखो, मतलब इतनी एक्सट्रीम गंदी हो रखी है ना ये दोनों की दोनों बाइक। सो ये बाइक भी स्टार्ट करवानी है यार क्योंकि इसकी बैटरी ख़राब हो रही है। क्या किलर लुक है यार इस बाइक का, क्या ही लुक है यार, और ये कार्बन कितना प्यारा लग रहा है। सो ये चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखना एंड अगर अभी मेरे को टाइम मिल गया तो बाइक को भाई वॉश तो करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बाइकों को अगर आगे लेके जाना है ना तो भाई वॉश कराना बहुत ज़रूरी है। इस हालत में तो भाई नहीं लेके जा पाऊँगा, पूरे रैप की ना क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। बट रैप भी आपके भाई ने एकदम महंगे वाला करवाया, एकदम बढ़िया वाला। ये देखो जी ट्रस्ट मी यार बहुत प्यारी लग रही है अपनी बाइक। मतलब जितना दिन भी मैं ट्रिप पे था ना मैं बहुत याद कर रहा था इस बाइक को, इतना याद कर रहा था ना कि भाई बार बार इसकी फ़ोटोज़ देखता था बाइक की, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है। एंड पता है अपनी पार्किंग की ना अलग ही स्टोरी है। सो पहले ये खड़ी मेरी स्कूटी, सो पहले ना यहाँ पे सारी बाइक्स खड़ी होती थी एंड जब फर्स्ट सुबह बाइक आई इस पार्किंग में तो मैंने ना वहाँ खड़ी करनी चालू करी तो सबने वहाँ चालू कर दी। अब मैंने वहाँ पे दो बाइक्स खड़ी करी है ना तो भाई यहाँ पे भी किसी ने दो बाइक खड़ी कर दी। गाइज इतना कॉपी कैसे कर सकते हैं मेरे को कोई ना, पीछे फ़ोन बजा रहा है। सो गाइज इतना कॉपी कैसे कर सकते हैं यार मेरे को कोई समझ नहीं आता मेरे को। सो भाई इतना कॉपी कैसे कर लेते हैं लोग यार मेरे को समझ ही नहीं आता। एक्साइटमेंट हूँ भाई, एक्साइटेड हूँ भाई, फिशी लेके आनी है, फिशी प्यारी प्यारी फिशी। एंड जैसे ही मैंने फिश का प्लान बनाया ना मैंने सबसे पहले ना अमित भाई को कॉल करके फ़ोन किया, मैं कहा भाई आ जाओ यार ये वाली हेल्प और करा दो क्योंकि ना उनको ना फिश की नॉलेज बहुत अच्छी है। मतलब उन्होंने घर पर भी काफ़ी सारी रखी हुई हैं जो प्लांट्स होते हैं असली वाले, वैसा कुछ भी उन्होंने रखा हुआ है। मेरा भी वो सब रखने का प्लान नहीं है क्योंकि उनमें ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ जाती है, बट एक ना फिश वाला तो मेरे को बहुत टाइम से था ही। सो मैंने अमित भाई को कॉल करा है, उनके घर के पास ही जा रहा हूँ एंड जो फिश चाहिए बस वो मिल जाए यार। सो गाइस इस तरफ है सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल एंड इधर मतलब उधर कहीं है वो पेट शॉप। सो अमित भाई मेरे से पहले पहुँच चुके हैं, गाड़ी मैंने ना रोड पर लगा दिया है, अब बैंड ना मुझे बस बाकी लेट अस गो। एम्प ऑफ कर रखे ना, डन भाई बट चार्ली चैपलिन बने हुए हैं भाई यार। सो गाइस चार बच्चे हायर करने वाला चार बच्चे हायर। सो भाई पास में ही दे दो भाई, डोमिनार से आ गए अपनी ना एक्वेरियम जस्ट में लेके गया हूँ ना, मतलब 4-5 दिन हो गया ऑक्सीजन ना उसके अंदर भरा जाओ भाई। ये कौन सी है जो बहुत तेज चल रही है, ज़्यादा तेज नहीं चल रही ये ऐसी ही हो गई। बट यार मेरे को ये पसंद है, ये प्यारी सी पैर का भाई। हमने ना 4 फिशेस इसमें से ले लिए हैं, जब उसमें से निकाल रहे थे ना भाई मैंने दिखा रहा चार बच्चे ये रहे। नहीं मेरे को दो चीजों के जवाब दो, बोलो ना। एक तो ये तुमने 4 बच्चे लिए हैं हाँ भाई ठीक है, पहली चीज इनका नाम क्या रखोगे? इनका इना मीना टीना सीना
अच्छा सीना किसका? सीना जो काली है ना, जॉन सीना। एक कल्लू माई है ना इसमें। ठीक है, और बच्चे लिए पाल पोस के बड़ा करोगे, क्या बनाओगे बड़ा करके? आईएएस ऑफिसर बनाएंगे अंकल। अंकल मेरे बच्चों को खाना भी दे देना, दो दिन का पूरे ना। दो दिन का पूरा। तीन मील खिलाऊंगा अंकल इन्हें मैं एक दिन में। भाई इतनी फूटी किस्मत, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार। इतनी फूटी किस्मत यार, कैसे होगी यार किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार। देखो जो बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, बाल विवाह कर दो, डोली में धक्का लगाए थे हम यार। ऐसी डोली लेके जाऊंगा सच्ची कसम से। गाइस वहाँ पे ना मैकेनिक की शॉप है, हमने भैया को बोल दिया वो गाड़ी में से बैटरी निकाल रहे हैं, वो बैटरी निकाल रहे हैं। और एक चीज़ देखो, ये देखो भाई इस चीज़ का क्या मतलब होता है, वो छोड़ो, ये देखो भाई, फॉर मोर कॉन्टैक्ट मिस्टर AK व्लॉग्स। वो खड़ी भाई अपनी गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही ना। नहीं भाई, तेल है इसमें, पेट्रोल तेल है, 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 है। तो भाई पेट्रोल एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, तिल्ली जल्दी तिल्ली मार दो। ऐसी स्टार्ट होगी भैया ये खड़ी यार। खोलना अमित भाई बोनट। और बैटरी भी ना इसकी ज्यादा पुरानी नहीं है, बट कहीं से ना अपना लीक हो रहा है इसमें से पावर। ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। एमपी हटाओ सबसे पहले। बड़े गाने सुनते थे मेरी डिजायर से कंपेयर करते थे तुम, अब नहीं सुनने भाई गाने। म्यूजिक सिस्टम बड़े डिजायर से कंपेयर करते थे ना। एम्प हटवाओ, एम्प की सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत लगती है। हां इस पर टेप मार देना भैया, हो गई। अब निकल रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मैंने एम्प की तार हटवा दी है। बाय अमित भाई, थैंक यू सो मच यार, 200 रुपए लिए भाई। हाँ कल मोटो व्लॉग करेंगे गाइस, मोटो व्लॉग करेंगे। सो भाई ऐसे चला देते हैं भाई, बट यार ये गाड़ी बहुत दुखी कर रही है। मैंने ना इसमें से एम्प की वायर ही हटवा दी है। सो बहुत दिमाग ख़राब हो गया यार, बहुत दिमाग ख़राब हो गया कसम से आज तो, एक्सट्रीम लेवल का भैया। अब इस गाड़ी से ना मेरा ट्रस्ट ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतनी बार हो गया ना ये सारी चीज़ें। एंड जी फाइनली अपना फिश टैंक रेडी हो चुका है, एंड ये पीछे छुप गए हैं सारी की सारी। सो एक दो तीन चार, अभी ना नया घर है ना इनका, तो ज़्यादा एक्साइटेड है। एक एक कोना चप्पा चप्पा छान रही हैं, देखो फुल एकदम पसे उठा रही हैं। सो अब फिश टैंक एकदम रेडी हो गया है, एंड जो चीज़ है फिक्स करने वाली वो है ये, इस चीज़ को फिक्स करते हैं और छोटी सी राइड कर लेते हैं। सो अभी के लिए ना मैंने फेल्ट तो लगा दिया, बट हाथ भी लग गया थोड़ी सी, एंड मैंने अभी इसमें माउंट नहीं लगाया, थोड़ा बहुत देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि बाइक पहले जो गंदी हो रही है ना, इसको क्लीन कराने में भी टाइम लगेगा, और क्या कहते हैं वॉश कराऊंगा, कुछ सामान लेना है, तो लोकल में थोड़ा बहुत काम है, तो मैंने तब तक उसको पता माउंट नहीं लगाया। तो भाई एकदम ब्रांड न्यू हो गई फिर से, तो इसके ऊपर अभी पॉलिश वगैरह लगवानी है। बाइक पर सीट पे कपड़ा मार दे। तो भाई बम्बल भी अपनी एकदम ना रेडी हो गई है, तो एकदम बढ़िया से वॉश करा दिया। नीचे ज़्यादा ना हार्ड वॉश नहीं कराया, क्योंकि अभी रैप हुए ज़्यादा देर नहीं हुए, तो सीट वगैरह भी थोड़ी सी गंदी है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि ना इसकी सीट भी चेंज करा लूँ, बट ओवरऑल जो लुक आ रहा है बाइक का एकदम बढ़िया हो रहा है। रैप देखो, मतलब इस पर कोई वैक्स कोई पॉलिश नहीं मारी, बट स्टिल इतना बढ़िया शाइन मार रहा है, और फ्रंट लुक कुछ ऐसा आ रहा है इस बाइक का। एंड यहाँ पे उस क्रिएटिव बंदे की ब्रांडिंग हो रही है, जिस भाई ने हमारे ये रैप करा है, रियान कस्टम। एंड अगर आप भी चाहो तो भाई से अपनी बीस्ट को सेक्सी सेक्सी करवा सकते हो। भाई ये सारी की सारी इतनी डरपोक है ना, इतनी डरपोक है कि क्या बताऊँ। ये देखो एक यहाँ छुप रही है, बाकी तीन वहाँ पीछे छुप रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ को मैं बाहर कर देता हूँ, सो छुपने की जगह नहीं होगी, तो एक्टिव रहेंगे फिर थोड़ा ना। एंड खाना दिया था थोड़ा सा, वो भी उन्होंने अब तक खाया नहीं। अबे तू बस छुप रही है। बाकी आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो गाइज लाइक कर देना, एंड करना इस चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में धमाल मचने वाला गाइज, बिल्कुल मोटो व्लॉग आएगा एकदम रॉ वाला अपनी बम्बलबी के ऊपर।